बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतवार 10 सितंबर और आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ तक मुल्क भर के मौसम की तफसीलात और गर्मी समेत हबस की शिदत में कमी और बारिशों के नए सिलसिले में मज़ीद इजाफे के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। ताहम आज और आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम वेदर लवर्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मानसून 2023 अभी ख़त्म नहीं हुआ। आलमी मौसमियाती मॉडल्स में रोज़ाना की बुनियाद पर बारिशों की शिदत में इजाफा देखने में आ रहा है। तफसीलात के मुताबिक 15-16 सितंबर से मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों का आगाज़ होगा, जो कि 24-25 सितंबर तक मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पटोहार, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत पंजाब के ज़्यादातर इलाकों, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जारी रहेगा। इस दौरान बलोचिस्तान के बहुत से इलाकों और सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत सिंध के भी बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, क्योंकि इस मानसून सिलसिले को मगरबी हवाओं की सपोर्ट भी हासिल होगी, इसलिए इसमें शदीद गरज चमक, गलाबारी और शदीद मौसमी हालात का ख़तरा भी है, इसलिए किसान और शहरी मोहतात रहें।